नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 303 एडवांस प्रिंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट संख्या 1, फ्लेक्सोग्राफी यूनिट। पिछली बार हमने जो इस यूनिट में पढ़ा वो फ्लेक्सोग्राफी मशीन की आउटलाइन डायग्राम पढ़ा था, और उसके बाद हमने उसकी जो पहली यूनिट थी इनफिड यूनिट उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद हमने उसके इंक सिस्टम के बारे में जानकारी ली। इंक सिस्टम में अगला जो टॉपिक आता है वो है सेल कैपेसिटी आफ्टर द सिलेंडर वेयर। पिछली बार हमने ये देखा था कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला सेल्स होता है जो पिरामिड सेल कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो कार्डन पॉइंट सेल कहलाता है। आपके सामने चित्र में दोनों प्रकार के सेलों में इंक की कैपेसिटी का जो स्टोरेज है वो दर्शाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिरामिड सेल है, न्यू सिलेंडर इंक कैपेसिटी, ओके। दूसरा ऑप्शन है क्वाड्रन रेगुलर सेल, उसकी न्यू सिलेंडर इंक कैपेसिटी। दोनों में आप देखिए, नई स्थिति में जब नया सिलेंडर होगा तब जो है आपकी इंक की कैपेसिटी कितनी है, और आफ्टर सेम डेप्थ ऑफ सिलेंडर वेयर, जब सिलेंडर थोड़ा घिस जाएगा, ऊपर वाला जो पिरामिड सेल वाला सिलेंडर था वो भी बराबर घिसा और ये भी बराबर घिसा, उसके बाद जो हम देख रहे हैं वन सिलेंडर इंक कैपेसिटी, दोनों में इंक कैपेसिटी कितनी रहेगी। तो इसकी तुलना में हम ये पाएंगे दोनों के, अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने के बाद हम पाएंगे कि वन सिलेंडर इंक कैपेसिटी जो पिरामिड सेल में है वो पहले वाले के मुकाबले अभी भी ज़्यादा है, यानी कि इससे प्रिंटिंग अभी भी ठीक आ सकती है। इसलिए हमने पिरामिड सेल और क्वाड्रेंगुलर सेल दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। दोनों की बेसिक जो चीज़ है वो ये है, क्वाड्रेंगुलर जो सेल्स होते हैं उसमें इंक की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो ज़्यादा होती है। तो जैसा आपको इस चित्र में बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक स्थिति ऐसी है जो नए सिलेंडर की है, और पास वाली स्थिति राइट हैंड साइड पर वो है जो कि सिलेंडर के वियर यानी सिलेंडर घिसने के बाद की स्थिति है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेट सिलेंडर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेट सिलेंडर इज डिज़ाइंड टू होल्ड द फ्लेक्सिबल फ्लेक्सोग्राफिक प्लेट थ्रू एन एडेसिव। जो प्लेट सिलेंडर है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो फ्लेक्सोग्राफी की फ्लेक्सिबल प्लेट, फ्लेक्सिबल यानी चारों तरफ मुड़ने वाली, उस प्लेट को एक एडेसिव की सहायता से अपने ऊपर रख सके, अपने ऊपर होल्ड कर सके। अनलाइक ऑफसेट प्लेट, फ्लेक्सोग्राफिक प्लेट साइज वेरीज फ्रॉम द जॉब टू दी प्रिंट। ऑफसेट प्लेट के तरह नहीं, मतलब ऑफसेट प्लेट्स और फ्लेक्सोग्राफिक प्लेट्स हम दोनों की तुलना करें तो जॉब के अकॉर्डिंग फ्लेक्सोग्राफिक प्लेट की जो साइज़ है वो ऑफसेट प्लेटों की तरह फिक्स नहीं होती है, वो जॉब के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जनरली सेवरल रिपीट इमेजेस आर प्रिंटेड इन सक्सेशन फ्रॉम सेवरल प्लेट्स माउंट ऑन द सेम सिलेंडर। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी रिपीटेड इमेज यानी एक ही जॉब के एक ही रिपीट लेंथ में वापस छापते जाना और एक ही सिलेंडर से अलग अलग जगह छापते जाना, ये संभव है फ्लेक्सोग्राफी मशीन में। सेवरल मतलब एक से अधिक प्लेटें भी उस एक सिंगल प्लेट पर माउंट करके हम एक ही रिपीट लेंथ अलग अलग रिपीट में बहुत सारे एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर हम छाप सकते हैं एक ही सिलेंडर को यूज करके। थस द साइज ऑफ प्लेट सिलेंडर इज चूजन टू मैच द रिपीट इमेज साइज। अब बात आती है कि रिपीट साइज़ के हिसाब से सिलेंडर कैसे चूज़ करा जाता है। मान लीजिए आपका कोई पाउच है जिसकी रिपीट लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आपको सिलेंडर भी उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि वो हर 10 सेंटीमीटर के बाद एक रिपीट आपको इमेज दे दे। डैट इज़ इफ़ द इमेज टू बी प्रिंटेड इन 6 इंचेस एंड 12 इंचेस प्लेट सिलेंडर कैन बी यूज टू प्रिंट। जैसा कि हमने इसमें ये उदाहरण दे के बता रहे हैं कि 6 इंच का अगर आपका रिपीट है या इमेज है तो आपको 12 इंच का प्लेट सिलेंडर यूज करना होगा टू रिपीट इमेजेस, दो रिपीट इमेजेस प्राप्त करने के लिए। यदि आपको 3 रिपीट इमेज प्राप्त करनी है तो आपको उसके हिसाब से आगे होगा, आगे आपको उसके हिसाब से सिलेंडर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हाउएवर अ 10 इंच प्लेट सिलेंडर कुड नॉट बी यूज टू प्रिंट अ 6 इंच जॉब। इसी प्रकार 10 इंच का प्लेट सिलेंडर हम 6 इंच के जॉब के लिए काम में नहीं ले सकते, बिकॉज द प्लेट सिलेंडर मस्ट बी चेंज टू मैच द प्लेट एंड द एनीलॉक्स रोलर मस्ट ऑल्सो मैच द जॉब। दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, एनीलॉक्स रोलर भी और जॉब के हिसाब से प्लेट सिलेंडर भी। फ्लेक्सो प्रेसेस आर डिजाइंड टू डैट द प्लेट सिलेंडर एंड इंक ट्रेन कैन बी रिमूव्ड इजिली एंड
इंस्टॉल एज अ यूनिट इन द प्रेस ईच टाइम अ न्यू जॉब इज रन। दोनों चीज़ें प्लेट सिलेंडर और जो इन ट्रेन है, दोनों को इजीली रिमूव और इंस्टॉल करना पड़ता है हर यूनिट में जब भी नया जॉब स्टार्ट होता है। मैनी फ्लेक्सोग्राफिक प्रेसेस आर कॉन्फिगर्ड विथ सेवरल प्रिंटिंग यूनिट्स इन अ लाइन सो दैट फोर और मोर कलर कैन बी प्रिंटेड इन वन पास थ्रू द प्रेस। बहुत सारी फ्लेक्सोग्राफिक मशीन को इस प्रकार से कॉन्फिगर किया जाता है कि बहुत सारी प्रिंटिंग यूनिट्स एक ही लाइन में चार या चार से अधिक जॉब को एक सिंगल पास में एक सरफेस के ऊपर प्रिंट कर सकें। इसके पश्चात ड्राइंग यूनिट्स आर पास थ्रू द प्रेस, ऑल्सो पास थ्रू द प्रेस। ड्राइंग यूनिट्स आर लोकेटेड बिटवीन ईच कलर हाइड टू ड्राई द सबस्ट्रेट बिफोर द नेक्स्ट कलर इज अप्लाई। कहने मतलब ये है, ड्राइंग यूनिट्स है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी ग्रेवियर और फ्लेक्सोग्राफिक मशीन्स होती हैं, इसमें जो इंक होती है वो ऑफसेट और लेटर प्रेस के समान नहीं होती है। ऑफसेट और लेटर प्रेस की इंक जो होती है वो ऑयल बेस्ड इंक होती है, और ये वाली जो इंक्स होती हैं सॉल्वेंट बेस्ड इंक होती है। सॉल्वेंट्स यानी कि एल्कोहल बेस्ड टाइप इंक्स। जिन इंक्स में अगर थोड़ी ड्राइंग दी जाए या फिर इन इंक्स पर छपी हुई सतह पर हम थोड़ा सा हीटिंग एटमॉस्फेयर या हीटिंग हवा या ब्लोअर का प्रयोग किया जाए तो इसका जो सॉल्वेंट है वो उड़ जाता है और सब्सट्रेट और जो प्रिंटिंग वाला जो पिगमेंट है वो आपके सब्सट्रेट रह जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी फ्लेक्सोग्राफी और ग्रेवियर, इसमें जो इंक सूखती है उनका प्रिंसिपल एवोपरेशन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो दो प्रिंटिंग प्रोसेस हैं ये कागज़ के अलावा अन्य जो सर्फेसेस हैं जैसे कि पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, CPP, BOPP, स्टिकर्स वगैरह, जो भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हैं या फिर जो नॉन पोरस सरफेस हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है जिसमें इंक ऑफसेट के समान सतह सोखती नहीं है। तो इसलिए इन दोनों प्रोसेस में ड्राइंग यूनिट्स होती है जिसमें छपी हुई वेब, आपकी जो भी वेब ने आपने जो भी प्रिंट किया है वो इन ड्राइंग यूनिट्स में से होकर निकलती है। यही चीज़ इसमें बताई गई है, ड्राइंग इन यूनिट्स आर लोकेटेड बिटवीन ईच कलर हेड टू ड्राइंग द सबस्ट्रेट बिफोर द नेक्स्ट कलर इज अप्लाइड। चेंजिंग जॉब्स ऑन दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सोग्राफिक प्रेस रिक्वायर्स रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग द प्रिंटिंग यूनिट्स ऑफ ईच कलर। जब जॉब चेंज होता है इस तरह की फ्लेक्सोग्राफिक प्रेस में तो उसमें पूरी रिप्लेसिंग और रिमूविंग होती है प्रिंटिंग यूनिट्स की ईच कलर की। दीज रिप्लेसमेंट टेक टाइम, ये समय लगता है, ये इसमें चेंज ओवर में काफ़ी समय फ्लेक्सोग्राफी में लगता है। बट द लॉस्ट टाइम इज कंपनसेटेड फॉर बिकॉज द न्यू प्लेट आर माउंटेड एंड प्रूफ ऑफ प्रेस विद रेड्यूस ऑन प्रेस प्री मेक रेडी टाइम। और इस समय को जो कंज्यूम किया जा सकता है वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्लेट माउंटिंग जो होती है वो नई प्लेट की वो प्रूफ्ड होती है और पहले से बड़ी आसानी से की जा सकती है, और उस जिसकी वजह से उसमें बाकी प्रोसेस जितना समय नहीं लगता है ऑन प्रेस का या मेक रेडी टाइम्स का। प्रेशर बिटवीन पॉलिश्ड मेटल इंप्रेशन सिलेंडर एंड द प्लेट इज एडजस्ट टू डिलीवर What is done is a kiss impression because the film and the laminate material often printed with flexo are thin। कहने का मतलब ये है कि जो आपका impression cylinder है जिससे होकर आपका web जाएगा और जो आपका plate cylinder है, इन दोनों के आपस की जो setting है मतलब इन दोनों के बीच में pressure कितना होना चाहिए वो just kiss impression होता है, touch करता हुआ only केवल। क्योंकि इस प्रोसेस में जो हम फिल्म या लेमिनेट मटेरियल आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं, यदि इसमें इंप्रेशन ज़्यादा हुआ दोनों के बीच में, इंप्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के बीच में, तो ये जो फ्लेक्सिबल सब्सट्रेट हैं आपके जो फिल्म है या लेमिनेट मटेरियल है ये खुद ही आपस में खिंचे जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे, तो आपकी रिपीट प्लान गड़बड़ हो जाएगी। तो इनमें इंप्रेशन जो होता है वो किस इंप्रेशन, उसको टर्म को हम कहते हैं किस इंप्रेशन, बिल्कुल टच करता हुआ निकलता है दोनों के बीच में से कागज, जिसको हम किस इंप्रेशन के टर्म से जानते हैं। ये दो नंबर का तीन नंबर का सवाल आ जाता है कि ये टर्मिनोलॉजी किससे संबंधित है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। द लाइटेस्ट पॉसिबल इंप्रेशन प्रेशर नीडेड टू ट्रांसफर द इमेज मस्ट बी यूज्ड इन फ्लेक्सोग्राफी। कहने का मतलब कि सबसे कम, सबसे हल्का, सबसे लोएस्ट प्रेशर का इंप्रेशन हम इन दोनों के बीच में अप्लाई करना चाहिए जिससे वो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के अंदर इमेज प्लेट से उस मटेरियल के ऊपर जिस पर आपको प्रिंटिंग करनी हो ट्रांसफ़र हो जाए।
इफ द प्रेशर इज टू ग्रेट इट कॉज द इमेज टू स्प्रेड एंड इम्पेंट्स द क्वालिटी. ज़्यादा प्रेशर इमेज को फैला देगा और क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा. फार टू मच इम्प्रेशन डैमेज द प्लेट एंड सब्सट्रेट बीइंग प्रिंटेड. और बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेशन होगा वो आपकी प्लेट को और सब्सट्रेट दोनों को डैमेज कर देगा. तो ये आज जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने प्लेट सिलेंडर और सेल वेरिएशन, सिलेंडर का सेल वेरिएशन. ये दोनों सेल वेरिएशन जो हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और ये सेल वेरिएशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसको विथ डायग्राम पूछा जा सकता है, विथ डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपके पैकेजिंग इंडस्ट्री में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एनालॉग सेल की आप स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हैं. तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पिरामिड सेल और क्वाड्रेंगुलर सेल. और ये जो कंपेरिजन है, ये जो आपका है, ये आज का आपका होम असाइनमेंट है. आज का होम असाइनमेंट यही है कि आपको सेल कैपेसिटी आफ्टर सिलेंडर वेयर का सचित्र वर्णन करना है. ये आपका होम असाइनमेंट है. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.